Subscribe the channel Sam's Vlog and press the bell icon to be the first one to watch the latest videos. दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं जो कि आप जरूर करते होंगे तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर ट्राई का नाम जरूर सुना होगा। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है या फिर आप कह सकते हैं कि ये वो हाईएस्ट बॉडी है जो कि निर्धारण करती है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का हर एक रूल एंड रेगुलेशन। दोस्तों हाल ही में ट्राई दो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है जिसके तहत ट्राई बहुत जल्दी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने जा रही है जिसको यूज करने के बाद आपके मोबाइल की जो कॉलिंग फैसिलिटी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और दूसरा अनाउंसमेंट है कि ट्राई डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब का जो सर्विस है उसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन करने जा रही है। इन सब चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं सैम्स व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं पहले अनाउंसमेंट की तरफ जिसमें ट्राई ने बताया है कि वो जो मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च करने जा रही है उसका नाम है MyCall ऐप। इस ऐप को काम में लेने के बाद ट्राई जो है वो डायरेक्टली मॉनिटर कर पाएगी आपके द्वारा किए गए हर एक कॉल की क्वालिटी, यानी जो जो प्रॉब्लम्स आती है कॉल के दौरान, जैसे कि बीच बीच में कॉल का कट हो जाना यानी कॉल ड्रॉप्स, दूसरे साइड से आवाज का ठीक ठाक ना सुनने में आना, इन्हीं सब चीजों को डायरेक्टली मॉनिटर करने के लिए ही ट्राई इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर रही है। इस ऐप को यूज करने से आपके द्वारा किए गए हर एक कॉल के खत्म होने के तुरंत बाद आप उस कॉल के क्वालिटी को रेट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप उस कॉल के क्वालिटी को 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे या फिर 5 स्टार्स में से आप कितने स्टार्स उस कॉल के क्वालिटी को देना चाहेंगे। ऐसे ही ट्राई जो है वो डायरेक्टली आपके द्वारा दिए गए फीडबैक्स को काम में लेकर के आपके कॉल के क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएगी। अब चलते हैं दूसरे अनाउंसमेंट की तरफ। इसमें ट्राई ने कहा है कि डू नॉट डिस्टर्ब का जो सर्विस है उसमें ट्राई बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन करने जा रही है। इसके चलते अगर कोई सब्सक्राइबर डीएनडी के लिए रजिस्ट्रेशन करती है तो उन तक कोई भी टेलीमार्केटर्स कॉलिंग या फिर एसएमएस के जरिए नहीं पहुंच पाएगी। इसके बावजूद अगर कोई टेलीमार्केटर डीएनडी रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर के पास कॉलिंग या फिर एसएमएस के जरिए पहुंचती है तो उनको बहुत बड़े अमाउंट का फाइन जो है वो भरना पड़ सकता है। दोस्तों ये मेजर्स जो है उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट जो है उसको आशानुरूप तरीके से ही हमें देखने को मिले। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके हमें ये बताएं। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले इस नए इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपका मेरे लिए कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आगे चल के ऐसे ही इससे भी ज्यादा और भी बेहतर वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कीजिए इस सर्कल पे, ये बिल्कुल फ्री है, और आप मेरे इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।